महाराष्ट्र के पुणे में आज एक बस ट्रैक्टर के साथ टकराने से 16 लोग घायल हुए। घायलों में अधिकतर 15 छात्र शामिल थे। जानकारी के मुताबिक बस में सवार छात्र पिकनिक मनाकर वापस आ रहे थे, इसी दौरान उनकी बस एक ट्रैक्टर के साथ जा टकराई। देश के बाकी शहरों की तरह संगरूर में भी क्रिसमस धूमधाम से मनाई जा रही है, जहां समुदाय के लोग चर्च में जाकर प्रार्थना कर रहे हैं। वही शैक्षणिक संस्थाओं में भी क्रिसमस को बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। दिल्ली NCR के बहुचर्चित यमुना एक्सप्रेस घोटाले मामले की जांच अब CBI करेगी। आज अधिकारियों ने बताया कि CBI ने इस मामले में प्राथमिकता को दर्ज करवा दिया गया है। इसमें एजेंसी के पूर्व CEO PC गुप्ता और 20 अन्य को नामजद किया गया है। PM मोदी ने ट्वीट कर भारत माता की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने के साथ साथ आजादी के आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन आज कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण समारोह के लिए सोनिया गांधी को न्योता भी देंगे। जम्मू कश्मीर में आज हीरानगर सेक्टर में LOC के पास पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी की, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी की हत्या मामले में पुलिस ने 13 आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की। बता दें कि पिछले 18 अक्टूबर को कमलेश तिवारी की लखनऊ में गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक ने कहा कि हमें लगता है कि अमित शाह की जिद के कारण राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि करीब 95% लोगों के पास आधार है, आधार से ही जनगणना करनी चाहिए। जिनके पास आधार नहीं है, हमें उनका आधार बनाना चाहिए। अफ्रीका के बुर्किना फासो में एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। वहां के राष्ट्रपति रोच मार्क काबोर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि हमले के बाद सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 80 आतंकवादी मारे गए। राष्ट्रपति ने इस बड़े आतंकवादी हमले की जानकारी ट्विटर पर देते हुए कहा कि हमले में मृतकों में ज्यादातर महिलाएं शामिल थी। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी सेना के 7 जवान भी शहीद हो गए। पाकिस्तान कश्मीर पर अपने दूरप्रचार का झंडा फैलाने के लिए ब्रिटिश सांसदों का सहारा ले रहा है। ब्रिटेन में हुए इस बार चुनाव में पाकिस्तान और कश्मीरी मूल के 15 सांसद जीत गए। पाकिस्तान को लगता है कि इन सांसदों के जरिए भारत के खिलाफ दुनिया भर में दूरप्रचार किया जा सकता है।